दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बता दूं, मेरा नाम है अंकिता त्रिपाठी और वीडियो क्लिप देखकर और टाइटल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि ये एक मेकओवर वीडियो होने वाला है। जी हाँ, मेरे रूम में ही एक छोटा सा टाइनी सा कॉर्नर है जिसे मैंने नया रूप दिया है। ये चीज मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी, लॉकडाउन से पहले से थी, इसलिए मैंने चीजों को पहले से ही अरेंज कर लिया था, खरीद लिया था। हम लॉकडाउन पीरियड में कहीं नहीं गए हैं। बस ये जो ब्यूटीफुल से कर्टन है, नेट के कर्टन, ये मेरी सिस्टर इन लॉ, जिसको मैं थैंक करना चाहूंगी, चारू ने बहुत मेरे लिए इसे अरेंज करवाया। एक्चुअली वो डेकोरेटिव पीसेस बनाने का, क्राफ्ट बनाने का काम करती हैं। अगर आप उनको भी फॉलो करना चाहते हैं तो उनका इंस्टाग्राम आईडी है डेकोहट, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर आप लखनऊ या नियर बाय रहते हैं तो आप उन्हें ऑर्डर देकर इन चीजों को मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं उनसे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बताना चाहूंगी कि ये वीडियो दो पार्ट में है। पहले पार्ट में मैंने कुछ चीजों का DIY किया है और सेकेंड पार्ट में बस उन चीजों की असेंबलिंग की है। बहुत सिंपल वीडियो है। हाँ, थोड़े से एफर्ट लगते हैं बट वीडियो में आपको बहुत छोटा सा दिखता है, बट जो इसका रिजल्ट निकल के आया है वो बहुत प्यारा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो क्लिप में, यहाँ पे पहले हमने एक अलमीरा रख रखी थी आयरन की, जिसे हमने बाद में निकाल दिया रूम से। और ये पीछे एक सेमी सर्कुलर सा शेप बना हुआ है जो कि पहले से बना है। तो सबसे पहले हमने अलमारी को खाली किया, फिर हमने उसे बाहर निकाला। आप देख सकते हो रूम में कितना मेस फैला हुआ है, मेरे सारे कपड़े फैले हुए हैं बेड पर और विजय थक गए हैं तो बस आराम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने वहाँ पर नेल्स लगाए, यानी कीलें लगाई, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें वहाँ पे हैंग करनी थी। तो इसके बाद आती है बारी पेंट करने की, बट पेंट करने से पहले हम उस एरिया को थोड़ा सा क्लीन करना चाह रहे थे, क्योंकि जो पहले का हमारा पेंट था वाइट कलर का, वो देख सकते हो आप वीडियो में कैसे निकल रहा है। तो बस हमने उसे निकाला और सैंड पेपर से थोड़ा सा उसे रब करके बराबर कर दिया, जिससे पेंट करने के बाद वो अच्छा लगे। जैसा कि आप सब जानते हो येलो कलर मेरा फेवरेट है, तो मैंने, क्योंकि हमारा बाकी रूम वाइट कलर का है, तो इसमें ये येलो कलर बहुत अच्छा सा ब्राइटनेस दे रहा था और मुझे पसंद है, तो ये तो मेरी पहली पसंद थी इस कलर को चूज़ करना। तो बस अब पेंटिंग का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे चार कोट ऑलमोस्ट किए। अब ये जो नेल हम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कर्टन के लिए। इसके बाद मैंने फेरी लाइट लगाई, लेकिन बहुत ज़्यादा फेरी लाइट नहीं थी, एक ही थी जो जल रही थी, बाकी दो मेरी फेरी लाइट ख़राब हो चुकी थी, तो हमने इसी से काम चलाया। नेक्स्ट मेरे पास ये ड्रीम है मेटल का, ये मैंने मार्केट 99 से परचेज़ किया था। और ये जो आप छोटे छोटे हैंगिंग देख रहे हो, ये एक्चुअली कीचेन है जो हम राजभोग रेस्टोरेंट से लेकर आए थे, और ये इसको लाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो बस मैंने उन्हें कीचेन्स को यहाँ पर हैंग कर दिया। तो आप देख सकते हो ये कितना क्यूट लग रहा है। ये छोटी छोटी डॉल हैं, राजस्थानी डॉल्स आप कह सकते हो, और इनके कलर्स भी बहुत अच्छे थे जो मैच कर रहे थे बिल्कुल। नेक्स्ट बारी आती है कर्टन की। कर्टन को पहले मैंने सिला है, ये एक पूरा कंप्लीट थान था जिसे मैंने बीच से कट किया। उसके बाद मैं इसमें कुछ थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहती थी, क्योंकि पेंट का कलर और कर्टन का कलर सेम हो रहा था तो कलर ऐड करना ही था। ये एक पुरानी कुर्ती है जो कि जिसमें होली खेली जा चुकी है, इसमें कलर्स भी है बट इसके कलर फिर भी बहुत वाइब्रेंट थे, तो मैंने इसे यूज़ करने का सोचा। इसमें जो बॉर्डर्स हैं ये स्लिट पर और सामने फ्रंट पे, इन्हें मैंने कट कर दिया। इन्हें मैंने सोचा भी नहीं था कि कहाँ यूज़ करूँगी, बट हाँ हमने यूज़ किया इसे। कुछ DIY कर रही हूँ इस कर्टन के साथ, जिसमें इसमें थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए। देखिए, कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है, मैं हर चीज़ का यूज़ करती हूँ, तो मैंने इन्हें भी कट करके रख लिया है। अब मैं वही बैंगल से निशान लगाकर सर्कल्स कट करने वाली हूँ एक एक करके। और इन सर्कल को हम क्या बोलते हैं, जो ब्लाउजेज में और लटकन में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे टैसल बोल सकते हो आप, पर टैसल दूसरी चीज़ होती है, वो ही बस मैं ऐड करने वाली हूँ अपने कर्टन में, जिससे कि कलर आ जाए। आप, क्योंकि ये जो कुर्ती है बहुत कलरफुल है और हर चीज़ मैच कर रही है, रेड और ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है उसमें, तो ये एक टिंट प्रोवाइड करेगा मेरे बैकग्राउंड को या मेरे जो डेकोर मैं कर रही हूँ उसमें। तो यहाँ पर मैंने सर्कल कट कर लिया, आप देख सकते हो, बस उन्हें मैंने हाफ डबल फोल्ड करना है। पहले आपको मिड से फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड और करना है, और ये ऐसे शेप में बन जाएंगे।
पहले तो मैंने कर्टन्स में अपने हाथ से कुछ पीसेस लगाए, 10-12-15 पीसेस लगाए, फिर मुझे लगा कि कर्टन बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने हाथ से सिलने के बजाय उसे फिर मशीन से ही सिल दिए सारे। मैंने इन पीसेस को लॉन्ग स्लिट मतलब साइड्स में लगाया है, और अपर पोर्शन यानी जहाँ पर हम स्ट्रिंग को डालेंगे हैंग करने के लिए वहाँ पर लगाया है। दूसरे साइड पर मैंने नहीं लगाया है, मुझे लगा शायद ज़्यादा हो जाएगा, बट शायद लगा देती तो अच्छा भी लगता, कुछ ऐसा ख़राब नहीं लगने वाला था, बट मैंने छोड़ दिया। अगर आप स्लो प्रोसेस में देखना चाहते हो तो देख सकते हो मैं कैसे लगा रही थी। मैंने मशीन वाला पार्ट शूट नहीं किया तो वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ यहाँ पर। तो हमारा कर्टन बन के तैयार हो गया है, तो बस हम उसे हैंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अब इसके बाद बारी आती है चीज़ों को असेंबल करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं वहाँ पर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदगी थी, डस्ट थी, तो बस वही कर रही हूँ। खाली स्पेस ऐसा लग रहा है कर्टन लगाने के बाद, आप इसकी लेंथ देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मीटर थी। अगर मैं हाथ से टैसल लगाती तो पता नहीं कितना टाइम लगता लगाने में। अभी मैं कर्टन में नॉट लगा रही हूँ, और ये वही रिबन्स हैं जो मैंने कुर्ती से कट किए थे। तो हमारे पास ड्रीम कैचर तो नहीं है, बट हाँ ड्रीम जैसा कुछ तो है, और ये जो स्पेस है ये मेरा ड्रीम ही था इसे सजाना, तो बस वही मैंने लगा दिया। और ये मेरे DIY प्लेट्स जो मैंने पहले बनाई थी अपने वीडियोस में, और अभी मैं वही मिरर जो DIY किया था, दाल से बनाया था, वो यहाँ पर लगा रही हूँ। तो अब बढ़ते हैं सिटिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक शीट बिछा रही हूँ प्लास्टिक की, क्योंकि नीचे सीलन आ जाती है शायद। तो उसके बाद में यहाँ पे एक सिटिंग के लिए एक छोटा सा मैंने खुद बनाया है, ये गद्दा बोल सकते हो आप, या पिलोस से बनाया है मैंने, 3 पिलोस से, बहुत अच्छा नहीं बना, बट हाँ जो भी बना अभी के लिए ठीक है, लॉकडाउन में हम यही कर सकते हैं। अभी मैं कारपेट डाल ली हूँ, ये भी घर पर पहले से था। तो अब सारी चीज़ों को छुपाने के लिए मैं ऊपर से उसको कवर कर दे रही हूँ उस गद्दे को, क्योंकि वो बहुत बेस्ट नहीं बना है, बट ठीक है जो भी बना है अच्छा बना है। अभी तो मैंने कारपेट को 3-फोल्ड कर दिया, बट लेटर ऑन हमने उसे ओपन कर दिया, पूरे स्पेस में उसे बिछा दिया है। और अभी जो मैंने पहले ट्रंक जो पेंट किए थे उन पे जो कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था वो रख रही हूँ, और उसी खजाने में हमें और भी चीज़ें मिली थी, जिसमें से एक ये छोटू ट्रंक है, और उसके ऊपर ये एक वुडन का बॉक्स है छोटा सा, वो भी ट्रंक जैसा है। उसके बाद ये हमें कैनिस्टर मिले थे, उसे ग्रे कलर से पेंट किया है। एक और कैनिस्टर मिला था जिसे ब्लू कलर से पेंट किया। मैं थोड़ा सा लाइवली कुछ लगे माहौल, मुझे पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, प्लांट्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने जो DIY प्लांट का कवर बनाया था वही वाला यहाँ पर प्लांट रख रही हूँ। दूसरे साइड पर मैंने तो कैनिस्टर रखा, फिर बाद में मैंने चेंज कर दिया। ये है एक छोटू सा चेस्ट ऑफ ड्रॉअर जो विजय उदयपुर से लाए थे मेरे लिए, ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था इसे कहाँ पर रखूँ, अब इसके लिए जगह डिसाइड हुई। और ये सिंदूरदान, ये सिंदूरदान भी मुझे वहीं जो मेरा स्टोर है वहाँ पर ही मिले। अभी मैं एक और प्लांट ऐड कर रही हूँ, ये है बैम्बू ट्री जो मैं बुद्ध बाज़ार से लाई थी, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो बुद्ध बाज़ार हॉल का। तो इसके बाद बारी आती है कुछ और कलर्स ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर अपने DIY जितने भी सारे कुशन मैंने बनाए थे प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ चेक कीजिए, उन सभी कुशन को ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो कलर येलो सेम है, बट उसमें जो टैसल्स लगे हुए हैं, बीट्स लगे हुए हैं, उसकी वजह से भी तब भी वो खिल रहे हैं वहाँ पर। और हमारा कॉर्नर रेडी हो चुका है, और ये आए पीपो। तो हमारा कॉर्नर रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, और बस लाइट स्विच ऑन करनी थी, जो कि बहुत कम है मुझे पता है। अभी जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मैं बहुत सारी फेरी लाइट खरीद के रखने वाली हूँ, और यहाँ पर मुझे कई चीज़ों में उसे ऐड करना है। आप पूरा लुक ले सकते हैं, और प्लीज़ बताइए कि ये कैसा लग रहा है बनने के बाद, मुझे तो बहुत पसंद आया। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा DIY और मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज अगर आप कुछ भी मेरे किसी भी वीडियो से कुछ भी ट्राई करते हैं DIY तो मुझे टैग करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं जिनमें जो उसमें मैंने चीज़ों को इस्तेमाल किया है उनका DIY वीडियो पहले वाले जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें दिया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को विजिट करके उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो।
तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।